जय हिंद, जय भारत मित्रों। मैं प्राची अधिकारी। बंधुओं, जो मैं बात आपको कहने आई हूँ ये है कि अभी एक आध दिन पहले एक बच्ची, 9 साल की बच्ची, जिसके बारे में चल रहा था कि कैंट की बच्ची को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर कैंट गर्ल, अब हुआ ये कि पहले तो मुझे हालात देखते हुए ऐसा लग रहा था क्या इस मामले में मैं बोलूँ। हालांकि आपको मालूम है कि मैं डरती नहीं हूँ किसी भी बात से, और मेरी बातें हमेशा निष्पक्ष होती हैं, और क्योंकि मेरे लिए समस्त हिंदू एक हैं। अब चाहे उसे वो दलित बोल दें, चाहे कुछ बोल दें, लेकिन मेरे लिए तो सारे हिंदू एक से हैं। और आपको मालूम है मैं पुरुषार्थ में छत्रवत पे के पालन पे यकीन रखती हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ, इसलिए मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। क्षत्रिय मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस छत्रवत का पालन करती हूँ, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं मेहनत शूद्र की तरह करती हूँ। और जो जब व्यवसाय की बात आती है तो मैं वैश्य हूँ, और जब ज्ञान की बात आती है तो मुझे ब्राह्मण बनना पसंद है। लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, तो आप शूद्र वर्ण से भी नहीं भाग सकते। और वो कोई गाली नहीं है, वो तो इन लोगों ने बनाया है अपने मन से, उसको जिसकी जैसी भावना हो उसको वैसे लेता है। एनीवेज, मैं एक पॉइंट पे वापस आती हूँ। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो पहले मुझे लगा कि मैंने पिछली बार उसमें भी अपनी टिप्पणी दी थी, जो 104 कॉल हुई थी हथरस कांड में। हथरस में लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे और उनके बीच में घरवाले ही आ गए, और क्या क्या हुआ ये तो ये इस देश में क्या है ना, कानून के जगह क्या है, भीड़ तंत्र चलता है। अगर उस लड़के लड़की का प्यार था, उनकी शादी हो जाती, सब कुछ अच्छा हो जाता, माँ बाप बीच में नहीं पड़ते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये जाति पाति और ये सब चीज़ें फालतू की हैं, तो इसलिए बहुत, और ऊपर से गंदी राजनीति, कोई मिले, कोई शादी करे या मिले तो उस पर भी अड़ंगा लगाने वाले हैं। एनीवेज, ये तो समाज है भैया, सुधारने का नाम ही है। अब इस लड़की के साथ ये कहा गया कि ये 9 साल की बच्ची थी, और ये 9 साल की बच्ची शमशान घाट में पानी ने ले गई वहाँ, क्योंकि इसके नगौल गांव में पानी नहीं आता था, नागेल गांव में, तो ये पानी की सुविधा नहीं है। और ये तो पूछने वाली बात है कि केजरीवाल पानी का इंतज़ाम क्यों नहीं करता। वैसे तो बड़े बड़े बातें करता है कि हम फ्री का पानी देंगे, फ्री का बिजली देंगे, इसी के एवज पे तो उसने हिंदुओं को मरवाया कटवाया, और जाति पात में वो करता रहता है। तो जब ये खबर फैली कि उसमें पुजारी, मंदिर का पुजारी है, जबकि मंदिर में पुजारी नहीं होते, और जो मंदिर में पुजारी क्यों होगा, जो मंदिर है, सॉरी, मंदिर में पुजारी होगा ना, शमशान में पुजारी क्यों होगा। शमशान में तो वहाँ पर क्रियाकर्म करने वाले ब्राह्मण हो सकते हैं, जो ब्राह्मण हो, जिनको ये सब आता हो, लेकिन वो पुजारी उनको नहीं बोलेंगे ना, उनको पुजारी क्यों बोलेंगे। वो एक तरह से ये कहा जाए कि अगर कोई वहाँ पर है, वहाँ पर ब्राह्मण है अगर कोई, तो वो क्रियाक्रम करवाएगा, मंत्रोच्चार करेगा, शायद ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे इसकी कुछ अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि केयर टेकर टाइप के हैं, राधे श्याम जी। अब इनकी ड्यूटी होती थी 8 से 5, मतलब सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक शाम की। अब सलीम और उसके दो सहयोगी और थे वहाँ पर। सलीम अब वहाँ क्या करता है, एक मुस्लिम आदमी का इस शमशान में क्या काम है, ये तो हिंदुओं को देखना चाहिए कि कितनी बड़ी गलती है कि आपके शमशानों में कोई आपको हिंदू नहीं मिल रहा रखने के लिए। सलीम वहाँ कर क्या रहा है, क्या आप जो इनके वो होते हैं, जो जहाँ पर इनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड, तो वहाँ पर आप लोग काम करते हो क्या, हिंदू लोग नहीं करते हो ना, तो ये क्या कर रहा है वहाँ पर, तनख्वाह खाने के लिए बैठा रखा है इसको। चलिए एनीवेज, ये वहाँ पर साढ़े पाँच बजे से आ जाता है, फिर इसकी रात की ड्यूटी होती है, ठीक है, 5 से 5 बजे से रात के कुछ की ड्यूटी है। तो अब ये 5:30 बजे उसको लड़की वहाँ 6 बजे जाती है पानी, 5:30 बजे जाती है पानी भरने के लिए। तो ये 6 बजे, 5:30 बजे बच्ची जाती है पानी भरने के लिए, 6 बजे शाम राधे शाम को फ़ोन करता है और कहता है कि वो बच्ची आई थी, दलितों की बच्ची आई थी, वो यहाँ पानी भरने आई थी और वो मर गई, उसको करंट लग गया। तब राधे श्याम जी फ़ोन पे खबर सुनने के बाद वो उस लड़की के गांव जाते हैं, घर जाते हैं, उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करते हैं, और तब राधे श्याम, ये जो वर्जन दिया गया है कि राधे श्याम और ये लोग ऐसा कहते हैं कि
आप ये बच्ची तो मर चुकी है, लोग उसके पार्ट निकाल लेंगे बॉडी के, अभी इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये जो तरीका है बोलने का ये डिट्टो मुस्लिमों का है। ये जो होता है ना कि तुम्हारे बॉडी के अंग निकाल लेंगे, ये कभी हिंदू नहीं कहते हैं, ये याद रखिएगा। हिंदू ऐसा कभी जाहिल बात नहीं करते, पोस्टमार्टम के लिए हिंदू कभी मना नहीं करता कि तुम्हारे बॉडी के पार्ट निकाल दिए जाएंगे। ये बॉडी के पार्ट निकाल दिए जाएंगे मैंने हैदराबाद में बहुत सुना है। ये जो मुस्लिम लोग हैं इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वहाँ कहा जाता है, ये डराते हैं एक दूसरे को कि तुम अंगदान मत करना या पोस्टमार्टम मत करना, नहीं तो डॉक्टर जो है तुम्हारे पार्ट निकाल देगा। और अल्लाह ने कहा है कि कब्र में जब तुम जाओ तो मरते वक्त तुम्हारे पार्ट पूरे होने चाहिए, नहीं तो अगली बार तुम या फिर ऊपर जन्नत में तुम अधूरे होगे। अगली बार का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तुम अगली मतलब जो जन्नत है उसमें तुम मतलब बिना हार्ट बिना उसके जाओगे। तो इस तरह की बात करने वाले जाहिल हैं। तो ये सलीम इसमें मुख्य आरोपी है। अब जब ये बात चंद्रशेखर रावण को पता चली तो इन्होंने आ गए भीड़ लगाने। तो वहाँ का जो वाल्मीकि समाज है, मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद उन लोगों ने इस चंडाल को, इस ऐसे चलाक खोपड़ी को, ये सिर्फ राजनीति करता है, इसको किसी हिंदू वाल्मीकि से मतलब नहीं है। इन्होंने कहा, हमारे वाल्मीकि भाइयों ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारा जय मीम जय भीम नहीं चलेगा, यहाँ बोलना है तो जय वाल्मीकि बोलो और जय सनातन धर्म बोलो। और उन्होंने मोर्चा संभाला हमारे भाइयों ने, और वो दिखने के भी इतने अच्छे, क्यों? क्योंकि जो दिल में आस्था रखता है ना उसमें खूबसूरती और पुरुषार्थ वैसे ही आ जाता है। वो एक एक जना वाल्मीकि क्षत्रिय था वहाँ पर, एक एक जना वाल्मीकि क्षत्रिय था, उसने छात्र व्रत का पालन करा, उन्होंने धर्म की रक्षा करी, वहाँ पर हानि होने से बचाई, इसलिए आपको नमस्कार है। उन लोगों ने कहा यहाँ तेरी राजनीति नहीं चलेगी, निकल जाए यहाँ से और तेरे को पकड़ के मारेंगे। उन लोगों ने माइक ले लिया और उसको भगा दिया वहाँ से, चंद्रशेखर रावण को, नफुजुद्दीन नाम है उसका, और उससे कहा कि तुझे यहाँ आ गया तू राजनीति करने के लिए, और जगह भी हैं, और क्यों नहीं जाता, राजस्थान नहीं जाता, मैंने आपको इतनी रिपोर्ट्स बताई हैं, राजस्थान में 9 साल की दलित बच्ची यानी कि वाल्मीकि हिंदू लड़की जो दलित ये करता है उनको समझाने के लिए बोल रही हूँ। इतना ये वाल्मीकि लड़की को कितने लोगों ने, 4-7 लोगों ने, एक जगह 4 लोगों ने दुष्कर्म करा। तब कहाँ था ये, जब वहाँ पर वो कह रही थी अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो 14 साल की लड़की, तब कहाँ था ये सेलेक्टिव वे सेलेक्टिव। जब कोई मुसलमान आरोपी हो तो वहाँ नहीं जाता है, ये देखता है खोज के कि किधर तो एक ब्राह्मण निकले, किधर तो एक हिंदू निकले, और जैसे वो हिंदू निकलेगा, बाप रे बाप, अगर किसी लड़की और लड़के का पैर भी हो और घर वाले भी मार दें, जब पोस्टमार्टम नहीं आएगा रिपोर्ट, लेकिन पहले ही आ जाएगा वहाँ पर गिद्ध की तरह। और वो प्रियंका आंटी और वो राहुल अंकल, वो दोनों आके वहाँ फ़ोटो खिंचा लेंगे पहले, अंकल आंटी आके, वो चाचा चाची आके फ़ोटो खिंचा लेंगे, और वो देश के युवा हैं, वो 50 साल से ऊपर के युवा हैं, वो युवा वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे और बाकी उनके चमचे देखेंगे, वो उनके माँ बाप का मजाक उड़ाएंगे, उनकी फ़ोटो डालेंगे, कानून तोड़ेंगे, उनको कोई जेल नहीं है। एक लड़की अगर सिग्नल पे थप्पड़ मार दे तो उसको जेल है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े कानून तोड़ें, जो लैंड जिहाद में मदद करें, जो देश में घुसपैठियों को बुलाने में मदद करें, जो देश को धर्म की राजनीति करें, जो देश में जाति पाति की राजनीति करें, और सिर्फ हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहें, जो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का विभाजन करना चाहें, जो सेकुलरिज्म के नाम पे भारत के 3-3, 4-4 टुकड़े करना चाहें, वो है ये परिवार। इन लोगों को पहचानो, इनकी गंदी राजनीति पहचानो और अपने सनातनी होने पे गर्व करो। हाँ, उस लड़की को, उस बच्ची को इंसाफ मिले, और जिस सलीम ने ऐसा करा है, क्योंकि यहाँ पर राधे श्याम की कोई गलती नहीं दिखती है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ताकि वाल्मीकि हिंदुओं के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में दूरी आ जाए, जबकि ये खुद भूल जाते हैं कि वाल्मीकि स्वयं ब्राह्मण थे। अब इन गधों को कौन बताए,
क्योंकि हमारे देश में ऋषि मुनि हुए हैं जिनके गोत्र लेके हम चलते हैं, और इस हिसाब से हम जो काम करते हैं हम वही वर्ण हो जाते हैं। अब इनको कौन समझाए? अगर जिस दिन ये बात इनको अपने वाल्मीकि होने का गौरव पता चल गया तो इस देश में सभी लोग ऋषि मुनियों की संतानें हैं, उनके गोत्र लेके चल रहे हैं, और हर जो सो कॉल्ड जाति है उसमें मिक्स गोत्र हैं सबके, ठीक है ना। मेरे गोत्र में ब्राह्मण भी आते हैं, मेरे गोत्र में क्षत्रिय भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं, तो इसमें कौन सी बात है उसको लेके लड़ना। लेकिन आज जो कारनामा उन लोगों ने करा है, वहाँ के वाल्मीकि हिंदुओं ने करा है, उनको सच में दिल से धन्यवाद है। अगर वो चाहते तो माहौल ख़राब करने में इनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उनको सनातनी होने पे इतना गर्व है कि उन्होंने इन गंदे लोगों को, इन पापी लोगों को वहाँ से दूर हटाया, राजनीति करने से रोका, उस बच्ची की आत्मा का, उसकी मृत्यु का मजाक उड़ाने से रोका, उन माँ बाप का पूरे संसार में, क्योंकि ये तो आज आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जब चले जाएंगे तो बदनामी किसकी होगी? उन लोगों की होगी। दुष्कर्म किसने करा है? इन्होंने करा है, जिनका साथ दे रहे हैं। सलीम का नाम तो इनके मुंह से भी नहीं निकला होगा, वो तो नवाजुद्दीन है ना, नवाजुद्दीन या क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर रावण का असली नाम। वो तो 5 वक्ती नमाज पढ़ता है, उसका यही काम है ढूंढ ढूंढ के लड़ाई करवाने आना, ये सब करने आना। NRC के दंगों में साथ दे रहा था वो, अगर सच में हिंदू होता तो वो जो मजनू के टीले में हिंदू है ना उनका संज्ञान लेने जाता, वो हिंदू नहीं है, वो वाल्मीकि नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है। वो मुसलमानों का गुर्गा है और जिहादी है, मन से इस्लाम वाला ना, वो इस्लामिक होके बाहर से नकली नाम रख के हिंदुओं का नुकसान करने वाला है, देश के विभाजन करने वाला है। इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और कोशिश ये रहे कि बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिले, सलीम को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और राहुल गांधी भी काश ऐसा कह दे। इस दिन का प्रतीक्षा करूंगी। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी राय, और कोई भी वीडियो या कोई भी मैटर पे अगर ये चाहते हैं कि मैं उसमें आवाज़ उठाऊँ, तो कोई सच्ची घटना हो तो उसके बारे में लिख के भेजिएगा, या आपके घर में भी कोई इस तरह की घटना हुई है तो आप उसके बारे में लिख के भेजिएगा, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी और उस पर संज्ञान लूँगी। जगह, व्यक्ति कौन है, क्या है, जिनका नाम लेना है नहीं लेना है ये भी बता सकते हैं आप, तो मैं उसको कहानी को बता सकती हूँ। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।